Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको मार्बल केक बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह छान लिया है, 1/2 कप ऑयल, 1+1/2 कप शुगर पाउडर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 3 अदद रूम टेम्परेचर अंडे, 1 कप मिल्क और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। आइए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक का बैटर रेडी करने से पहले मैंने पैन रेडी कर लिया है, ऑयल ग्रीस किया है और बटर पेपर लगा दिया है। सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल लेंगे, उसमें 3 अंडे तोड़ के डाल देंगे। अब इसके बीच में वनीला एसेंस डाल दें और इसे मीडियम स्पीड पे 3 से 4 मिनट बीट करें। अंडे और वनीला एसेंस को हम 3 से 4 मिनट इतना बीट करेंगे कि बैटर थोड़ा थिक हो जाए और फोम की शक्ल में आ जाए। जब अंडे अच्छे से बीट हो जाएं, तो इसके बीच में ऑयल डाल दें 1/2 कप और थोड़ा सा हम दूध डालेंगे और थोड़ा सा हम इसे बीट करेंगे। इसके बाद इसमें शुगर पाउडर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें और साथ साथ बीट करते रहें। अब तमाम शुगर इसमें डाल दें और अच्छी तरह से इस बैटर को बीट कर लें और इसके बाद इसके बीच में बेकिंग पाउडर डाल दें और इसे भी 3 से 4 मिनट मीडियम स्पीड पर बीट करें। अच्छी तरह बीट करने के बाद मैं इसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करूँगी और लो स्पीड पर इसे मिक्स करती रहूँगी। इस बैटर को आप विस्कर की मदद से भी बीट कर सकते हैं। अब तमाम मैदा इसमें डाल दें और इसे भी लो स्पीड पर मिक्स कर लें। पहले आप स्पैचुला की मदद से साइड पे लगा हुआ मैदा साफ़ कर लें ताकि बीट करते हुए उड़े नहीं। अच्छी तरह से हम मैदे को इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। अब इसके बीच में बाकी जो दूध बचा हुआ था वो भी सारा इसमें डाल दें और अच्छी तरह से बीट कर लें। बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। स्पैचुला की मदद से साइड पे लगा हुआ तमाम बैटर आप साफ़ कर लें। केक बैटर की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। अब मैं इस बैटर को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर लूँगी। बराबर हम 2 बॉल्स में इसे डिवाइड कर लेंगे। अब 1 बॉल में मैं ये कोको पाउडर जो 2 टेबलस्पून हमने लिया था वो छिड़क दूंगी अच्छी तरह से छान लें और इसे स्पैचुला की मदद से इतना मिक्स करें कि कोको पाउडर केक बैटर में मिक्स हो जाए। अब मैं दोनों बॉल ले लूँगी। पहले मैं इसमें ब्राउन कलर का बैटर डालूँगी, कोको पाउडर वाला बैटर। उसके बाद ये प्लेन बैटर डालूँगी। 1-1 स्पून आप दोनों का डालते रहें। पहले 1 कोको पाउडर बैटर का डालें और फिर प्लेन बैटर का। इस तरह आप फैलाते जाएं। केक बैटर को पैन में डाल दिया है। अब बारीक स्टिक, टूथपिक या बारीक नाइफ की मदद से आप इसमें घुमा दें और जिग जैग की तरह आप इसे घुमा दें ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह। इस तरह से इसके ऊपर एक मार्बल डिज़ाइन बन जाएगा। बहुत आसान है इस मार्बल केक को बनाना। देगची को मैंने प्री हीट होने रख दिया था 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैं केक पैन को अंदर रख कर मीडियम फ्लेम पर 40 से 45 मिनट्स तक बेक करूँगी। देगची की तह में मैंने नमक बिछा दिया है और ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। अब इसमें मैं केक पैन रखकर 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक करूँगी। 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं केक को चेक करूँगी। नाइफ़ अगर क्लियर निकलता है तो केक बेक हो चुका है। अब इसे मैं ठंडा होने दूँगी। इसके ऊपर से तमाम बटर पेपर निकाल दें। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये मार्बल केक।
मार्बल केक की लुक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। ये देखें, चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट बना है ये केक। ये देखें, अंदर से भी अच्छी तरह बेक हो गया है और बाहर से भी। विदाउट ओवन बनाना इसे बहुत ही आसान है। आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें, बहुत आसानी से ये बन जाता है। मार्बल केक हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। विदाउट ओवन इसे मैंने आपको बनाना सिखाया है। इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। कमेंट्स में मुझे शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।